भोजपुरी मिट्टी में ऐसे कई प्रतिभावान कलाकार रहे हैं जिन्होंने अपनी कला के दम पर भोजपुरी इंडस्ट्री को कई मायनों में आगे बढ़ाया है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको कुछ ऐसे ही कलाकारों से मिलवाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं इंडस्ट्री के बड़े निर्देशक और गायक जेपी बाबा से, जिन्होंने अपनी कला और गायकी के दम पर अपना एक अहम मुकाम बनाया है। आइए जानते हैं क्या कहना है जेपी बाबा का। सबसे पहले हम जेपी बाबा नेक्स्ट 9 न्यूज में रुवा सबके चरण स्पष्ट करके प्रणाम करत बानी, आशीर्वाद के लालसा लगावतनी। हम फिल्म निर्देशन एवं गायक जेपी बाबा, जो कि हमारे निर्देशन में बलन फिल्म पर्वत, बेटी आखिर क्यों नहीं, मुझे क्या मिला, एक हिंदी फिल्म हम लोग किए हुए थे, जो कि इसका शूटिंग हम लोग किए थे लुधियाना, चिंतपूर्णी माता था इसका मुहूर्त हुआ था, और पर्वत फिल्म किए जो कि झारखंड में, अभी हमारे को हाल ही में पिक्चर भैया रिलीज होके वाला बा स्वर्ग जैसन घर हमारा। रुआ सब हमके प्यार दुलार आशीर्वाद देहनी, बहुत बहुत हमके अच्छा लागल। स्वर्ग जैसन घर हमार के लेखक रामचंद्र सिंह जी बानी, डायरेक्टर हम बानी जेपी बाबा। पूरा फिल्म के पर प्रोडक्शन चालू हो गिल बा, एकर खत्म होके वाला भी बा। और म्यूजिक डायरेक्टर अमित कुमार लक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुदरा से, जे कि अपन खुद के भाई बानी अमित साखिया जी, जे म्यूजिक डायरेक्टर एकरा में कैले बानी। तो भैया हमके बहुत अच्छा लागल, आज हम लक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उपस्थित बानी, बैठल बानी, बहुत हमके अच्छा लागल। अभी अपना निर्देशन में एगो हम फिल्म साखिया जी के आवाज़ में करे वाला बानी, जो कि एल्बम है सैया बनले सुपरस्टार, एकर म्यूजिक के काम पूरा हो गेल बा। रुआ सबके कुछ ही समय कुछ ही दिनों में रुआ सबके नेट के माध्यम से मिली, तो आई नेक्स्ट 9 न्यूज के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुदरा में बानी जा, और एल्बम के म्यूजिक डायरेक्टर वही अमित कुमार, जो कि लक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुदरा में रिकॉर्ड आज भैला, लेखक रामचंद्र सिंह जी बानी, और ये एल्बम के निर्देशन हम खुद के कर रहा बानी सैया बनले सुपरस्टार। तो आई रुआ सबके हम अपना संगीतकार से मिला होता नहीं। जेपी बाबा से मिलने के बाद आइए आपको मिलवाते हैं इनकी टीम के महत्वपूर्ण कड़ी से, जो इनके एल्बम और गानों में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर नजर आते हैं, और इनका नाम है अमित कुमार। नमस्कार दोस्तों, मैं म्यूजिक डायरेक्टर अमित कुमार, मैं आप सबों के बीच नेक्स्ट 9 न्यूज के तरफ से उपस्थित हूँ, जो कि आप लोगों के बीच मेरा फेस टू फेस दिखा रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज की तरफ से। आइए कुछ आज की जो रिकॉर्ड मैंने किया, एक गाना था सैया बनले सुपरस्टार का, जो कि साक्या जी बड़े भाई गाए हैं, हम दोनों सगे भाई हैं, मिलकर काम करते हैं म्यूजिक डायरेक्टरी का और वो सिंगिंग भी करते हैं, तो उनसे मैंने गाना गवाया, बहुत मुझे अच्छा लगा, और आप सबों का प्यार दुलार इतना रहता है कि अब हम बहुत खुश रहते हैं। जैसे कि मैंने एक फिल्म का काम अभी कर रहा हूँ, वो फिल्म का नाम है दिलबा मुश्किल में, उस फिल्म का काम कर रहे हैं, जो फिल्म का नाम है दिलबा मुश्किल में। तो हम चाहेंगे कि जैसे हमारे इतने बनाए हुए एल्बम का आशीर्वाद दुलार प्यार आप सभी ने मिलकर दिया, उसी तरह से ये मूवीज़ का जो गाना हम बनाए हैं, भोजपुरी मूवीज़ है, इस मूवीज़ का भी गाना बहुत अच्छा है, जो कि इंदु सोनाली जी गाई हैं, बहुत अच्छा गाना है, एक बार इस गाने को सुनिएगा। और मैं विशेष अब क्या बात करूँ, समय तो बहुत कम रहता है, फिर भी हम लक्ष्मी स्टूडियो कुदरा में उपस्थित हैं, आइए चलते हैं, अब आपको मिलवाते हैं जयशंकर साक्या जी से, जो कि आपको मिलेंगे नेक्स्ट 9 न्यूज के तरफ से, वो भी आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं, तब तक के लिए मैं नमस्कार। इसके बाद इंडस्ट्री की एक और बड़ी हस्ती से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिनका नाम है साक्या जी। आइए जानते हैं क्या कहना है अमित साक्या जी का। भैया हम साक्या जी नेक्स्ट 9 न्यूज की तरफ से उपस्थित बनेगा, नेक्स्ट 9 न्यूज की तरफ से रुवा सबका चरण स्पर्श बा। भैया अभी हमारे छोटे भाई और हम दोनों मिलकर म्यूजिक का काम करते हैं, हम लोग
खुदरा कैमूर के रहने वाले हैं, लेकिन अपना खुदरा से लेकर मुंबई तक अपना भोजपुरी इंडस्ट्री तक वर्क करते हैं, काम करते हैं। आप लोगों का दुलार प्यार है, मैं म्यूजिक का भी काम कर लेता हूँ और मैं सिंगिंग का भी गाना भी गा लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो अभी एक पिक्चर हम लोग कर रहे हैं जिसका म्यूजिक है हम ही लोगों का, दिल बा मुश्किल में प्रमोद प्रेमी जी का है। प्रमोद प्रेमी जी इसका मेन लीडिंग कर रहे हैं और इसका मेन सिंगिंग जो की हैं इंदु सोनाली जी हैं। इंदु सोनाली जी इसको इस पिक्चर में मुहूर्त के दिन गाई थी गाना, एक गाना रिकॉर्ड हो चुका है। तो दिल बा मुश्किल में जो हम लोग अभी फिल्म को कर रहे हैं उसका म्यूजिक का जो काम कर रहे हैं, एक गाना उसमें रिकॉर्ड हो चुका है इंदु जी का है, इंदु सोनाली जी गा चुकी हैं गाने को। वर्सोवा में वहाँ अंधेरी वर्सोवा में गाई हैं हम लोग, वहाँ रिकॉर्डिंग कराए पंचम स्टूडियो में। और मुझे बहुत मैं विश्वास के साथ मैं बोल रहा हूँ कि इस पिक्चर का गाना आपको पसंद आएगा, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं इसमें। तो मैं म्यूजिक कंपोज कर रहा हूँ, मुझे आया हुआ है गाने बनाने का। तो और आज सबसे बड़ी बात है कि मैं सिंगिंग भी करता हूँ थोड़ा बहुत। तो आज बल्ले सैया सुपरस्टार का एक गाना मैंने आज भी रनिंग किया हूँ, रिकॉर्ड किया हूँ अपनी आवाज़ों में, वो एल्बम है मेरा, तो आप लोगों के बीच में बहुत जल्द ही मिलेगा। और उसका म्यूजिक मेरे छोटे भाई अमित जी ने किए हैं और उसका गाना लिखे हैं रामचंद्र जी, जो कि फिल्म भोजपुरी फिल्म का कहानी भी लिखते हैं, स्टोरी और गीत भी लिखते हैं। और बस नेक्स्ट नाइन न्यूज की तरफ से। जेपी बाबा की टीम के एक और मेंबर अपने आप में एक बड़ी शख्सियत रखते हैं जिनका नाम है रामचंद्र सिंह। आइए क्या कहना है रामचंद्र जी का इस एल्बम के बारे में, आप खुद ही सुन लीजिए। न्यूज की तरफ से आप सभी को आदाब प्रणाम सत श्री अकाल। मैं रामचंद्र सिंह, फिल्म लेखक एवं गीतकार। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लक्ष्मी स्टूडियो कुदरा में हम उपस्थित हैं। हालांकि अभी एल्बम के सिलसिले में यहाँ पे आए हुए थे, जिसके गाने हमारे बूढ़े भैया सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर जयशंकर सक्या जी ने आवाज़ दिया है और अमित जी ने म्यूजिक बनाया है। अच्छा लगा मुझे यहाँ पे मिलके, ये सगे भाई हैं तीनों लोग, एक डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं और एक साथ में म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं और प्लस अरेंजर भी हैं, व्यवस्थापक हैं इस स्टूडियो के। ऐसे मैं रामचंद्र सिंह फिल्म राइटर एजेंट आ रहा है मेरा आपके सामने, अगले साल में रिलीज होगा ये इश्क बड़ा बेदर्दी है भोजपुरी फिल्म, जिसमें रानी चटर्जी है, गुंजन पंत है, राइजिंग स्टार हैं रोहित राज, राजप्रेमी सीपी भट्ट सभी लोग हैं और मैं उसका लेखक हूँ और डायरेक्टर राम यादव हैं, म्यूजिक डायरेक्टर रंजय बावला हैं। उसके बाद जान मारे उड़निया त्योहार, जिसमें कमरुल खान एजेंट एक्टर है, एजेंट लीड कर रहे हैं, उसमें भी रानी चटर्जी हैं, उसमें तनुश्री हैं, उसमें एहसान खान है, राजप्रेमी है। और ये सबके साथ है, मैं अभी और भी सारे प्रोजेक्ट में हम लोग लगे हुए हैं और हमारी इच्छा है, हमारी तहे दिल से हमारी काफ़ी इसमें एक सहयोग की भावना है कि हम एक साथ मिलकर इन तीनों भाइयों और तीनों जो जुड़ी है यहाँ पे कुदरा में, इन लोगों के साथ मिलकर भी हम एक बड़े प्रोजेक्ट करें और इसमें लगे हुए हैं, जिसके सिलसिले में बातचीत हो रही है यहाँ भी और इसके तहत हम लोग आए हुए हैं। और आप लोगों से सबसे मिल के हमको अच्छा लगा और जाहिर सी बात है आपको भी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद आप सभी को और न्यूज 9 एक्शन को। वहीं दूसरी ओर आपको इस एल्बम में गाने वाले एक और शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम गुड्डू है। आइए जानते हैं क्या कहना है गुड्डू का। नमस्कार, मैं सिंगर गुड्डू कुमार और मैं आज लक्ष्मी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कराने आया हूँ, जिस एल्बम का नाम है तेजुआ से पहले हमार रहलू। और इसके गाने लिखे हैं रामचंद्र जी और म्यूजिक डायरेक्टर हैं अमित कुमार जी। और ये बहुत आप लोग के बीच जल्द आएगा रिलीज, जैसे आप सब मेरे छठ पूजा का एल्बम का आशीर्वाद दिए वैसे भी इस एल्बम को भी प्यार दुलार देंगे। धन्यवाद। आपको बता दें कि जेपी बाबा का एल्बम सैया भाईलेट सुपरस्टार जल्द ही रिलीज होने वाला है और हम नेक्स्ट नाइन न्यूज परिवार की ओर से उनको शुभकामनाएं देते हैं। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया की रिपोर्ट।